वोटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी और अब नतीजों से पहले लगातार ईवीएम धांधली की खबरें सामने आ रही हैं, उससे पूरी चुनाव प्रणाली सवालों के घेरे में है। और सिर्फ चुनाव प्रणाली ही नहीं बल्कि ये लोकतंत्र पर हमले जैसी घटनाएं हैं। यूपी के गाजीपुर में तो गठबंधन प्रत्याशी स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। वहीं ऐसे में ईवीएम को लेकर बीएसपी की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें बसपा ने ईवीएम को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और अपने लोकसभा प्रत्याशियों व कार्यकर्ताओं से अपील की है। प्रेस रिलीज में कहा गया है, समस्त पदाधिकारियों एवं जिम्मेदार साथीगण, सादर जय भीम। आपसे अनुरोध है कि पीठासीन अधिकारी को प्राप्त कराई गई ईवीएम वैसे तो ऑनलाइन होगी, परंतु उन्हें प्राप्त कराए गए प्रपत्र ऑनलाइन नहीं होते, इसलिए ईवीएम खुलने से पहले हर हॉल में लेखा, पीठासीन अधिकारी की डायरी, पीएसओएस आदि प्रपत्रों में दर्शाई गई ईवीएम, बीयू, सीयू तथा वीवीपैट के नंबरों का मिलान कराएं। और ये भी सुनिश्चित कर लें कि यूज्ड की गई ग्रीन पेपर सील व स्पेशल टैग का नंबर वही है जो उपरोक्त प्रपत्रों में पीठासीन अधिकारियों द्वारा अंकित किए गए हैं। ग्रीन पेपर सील व स्पेशल टैग का नंबर प्रपत्रों द्वारा सही पाए जाने पर ही ईवीएम को खुलने की अनुमति प्रदान की जाए। ऐसी जानकारी प्रत्येक जिले में लड़ने वाले सांसद, प्रत्याशी व दिनांक 23/5/2019 को काउंटिंग स्थल पर तैनात प्रत्येक एजेंट को होनी चाहिए। प्रदेश कार्यालय बहुजन समाज पार्टी द्वारा। वहीं अब ऐसे में सवाल ये है कि जिस तरह से कथित तौर पर ईवीएम बदले जाने और ईवीएम में खराबी की खबरें आ रही हैं, उस बीच क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष नतीजे जनता के सामने रख पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।